हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पागल पटेल है और मैं आपको ड्राइंग और क्राफ्ट दोनों सिखाने वाली हूँ। तो सेकंड स्टैंडर्ड में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप कलरिंग बुक में कलर करते थे और ड्राइंग बुक में ड्राइंग करते थे। अभी क्या करना है आपको, सेकंड स्टैंडर्ड में आपको ऐसी स्क्रैप बुक मिलेगी, तो उसमें आपको जो भी मैं क्राफ्ट करवाती हूँ वो क्राफ्ट आपको ये स्क्रैप बुक में करने हैं, और जो भी मैं ड्राइंग करवाऊँगी वो ड्राइंग आपको ड्राइंग की बुक में करनी है। तो आज मैं आपको शेप बताती हूँ। देखो, आपको आपकी ड्राइंग की बुक में आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स पता है, तो हम स्टार्टिंग में भी ज्योमेट्रिकल शेप से ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। आपको बुक में स्लीपिंग में अगर ड्रॉ करना है तो स्लीपिंग, नहीं तो स्टैंडिंग, चार या पाँच शेप्स ड्रॉ करने हैं, ट्राइंगल, सर्कल, सेमी सर्कल। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे पहले हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। आप स्केल यूज़ कर सकते हो। स्क्वायर जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो उसकी चार जो लाइन होती है वो उसका नाप जो होता है वो सेम होता है, तो इसी उस हिसाब से आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल की दो लाइन लंबी और उसकी जो चौड़ाई होती है वो उससे छोटी होती है। इस तरह से आपको रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में पहले नीचे की लाइन करेंगे और फिर इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उससे ऊपर एक पॉइंट बना देंगे। उसकी लाइन में सीधा पॉइंट बनाना है और इस तरह से आप ट्रायंगल बनाओगे तो परफेक्ट आपका ट्रायंगल बनेगा। और यहाँ पे हम बनाएंगे सर्कल। तो सर्कल के लिए आपको, सर्कल के लिए आप बैंगल्स या बाउल या ग्लास, ऐसा कोई भी टूल्स यूज़ कर सकते हो, तो इजी रहेगा आपके लिए सर्कल बनाना। देखो, इतना ड्राइंग होने के बाद इसमें हमें कुछ खास कलर ही नहीं करना है, पेंसिल से ही हम क्या करेंगे, इसमें ये हमने जो ड्राइंग किया उसको हम थोड़ा सा डार्क करेंगे और पूरे शेप में हमें कलरिंग नहीं करना है, पेंसिल से ही हम, आपको पहले प्रैक्टिस करनी है तो सीधी सीधी हम धीरे धीरे स्लिपिंग में लाइन बनानी है। पूरे शेप में इस तरह से आपको लाइन बनानी है, एकदम पास पास, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है। इसी तरह से पूरे शेप में हम लाइन बनाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। ये सारी जो मैं डिज़ाइन बता रही हूँ आगे ड्राइंग में ये यूज़ होगी, इसलिए आप स्टार्टिंग से ये इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। ये पूरे शेप में हम स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। ट्रायंगल में हम छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे और जो सर्कल हम बनाते हैं वो एक दूसरे के साथ में टच होने चाहिए। देखो, इस तरह से आपको सर्कल बनाते जाना है, पूरे ट्रायंगल में इस तरह से सर्कल बनाने हैं। और फिर ये जो सर्कल वाला शेप में, इसमें हम इस तरह से स्क्वायर भी बना सकते हैं, ट्रायंगल भी बना सकते हैं, आपको जो भी पसंद है इस तरह से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिए है तो मैं पूरे शेप में स्क्वायर ही बनाऊंगी। इस तरह से धीरे धीरे आपको छोटे छोटे स्क्वायर बनाते जाना है। तो इसी तरह से ये पूरा जो ड्राइंग है पेंसिल में ही आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।